अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इलेवन टॉपिक है बेटा आज हमारा हीट कैपेसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी आज हम देखेंगे बेटा, आज हम पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी क्या होती है, आज हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, आज हम पढ़ेंगे मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो जरा ध्यान रखिएगा, हीट कैपेसिटी होती है बेटा द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सबस्टेंस The amount of heat required to raise the temperature of a substance by 1 degree centigrade is known as heat capacity। तो बेटा इसको हम बोलते हैं heat capacity, which is denoted by C। कौन डिनोट करते हैं? सी से, डिनोटेड बाय सी। तो सी किसके बराबर होता है? सी इज इक्वल टू, यानी कि हीट कैपेसिटी होती है बराबर हीट एब्जॉर्बर डिवाइडेड बाय राइज इन टेम्परेचर। इसको बेटा हम ऐसे भी देख सकते हैं, हीट कैपेसिटी को हम सी से डिनोट करते हैं, सी इज इक्वल टू क्यू बाय डेल टी। द यूनिट्स ऑफ हीट कैपेसिटी आर, तो क्यों को हम जूल्स में, वो टेम्परेचर को हम केल्विन में। द यूनिट्स ऑफ हीट कैपेसिटी और जूल पर केल्विन। बेटा इसी के साथ है नेक्स्ट, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ध्यान रखिएगा बेटा, सेकंड वन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बेटा ये स्पेसिफिक में हम क्या करते हैं, अगर हम द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सबस्टेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप बेटा एक सबस्टेंस लेंगे, लेकिन वो सबस्टेंस बेटा उसका मतलब आप देखेंगे मास कितना होगा, उसका 1 ग्राम मास होगा, और उसकी अगर आप क्या करेंगे आप बेटा द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सबस्टेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, उसका टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे, तो बेटा तब जाके इसको बोला जाता है हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। द अमाउंट ऑफ हीट द अमाउंट ऑफ हीट
required to raise the temperature, the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree centigrade is known as specific heat capacity. जैसे बेटा अगर हम यहां पे दिखाना चाहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इट इज इक्वल हीट एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय rise in temperature into mass of 1 gram sample. तो बेटा इसके यूनिट्स क्या होंगी? The units of specific heat capacity are joule per kelvin per gram, joule per kelvin इसका होगा और इसका per gram होगा. अब बेटा next term वो है मोलर हीट कैपेसिटी. बेटा अगर एक मोल लिया जाएगा उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाएगा तो बेटा उसको हम बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी. ध्यान रखिए आप है मोलर हीट कैपेसिटी. तो बेटा इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 degree centigrade is known as मोलर हीट कैपेसिटी. तो बेटा इसको हम ऐसे दिखाते हैं, यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड divided by rise in temperature into molar mass. फिर इसके ऐसा यूनिट्स है यूनिट्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी.
तो इसका जूल, इसका पर केल्विन, और चूंकि मोलर मास है यहां पे तो इसका मोल ही आएगा, पर मोल, पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल। ये बेटा था इसके बारे में, मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में। अब एक रिलेशन हम पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड गैस कांस्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। ध्यान रखिएगा बेटा, रिलेशन बिटवीन सीपी सीवी एंड आर गैस कांस्टेंट, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड गैस कांस्टेंट आर। बेटा आप देखते हैं, वी नो दैट, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम बेटा, हम जानते हैं जो एंथैल्पी होती है एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। बट आप जानते हो बेटा, कॉल दिस एज इक्वेशन फर्स्ट, हम जानते हैं पी वी इज इक्वल टू आर टी फॉर वन मोल ऑफ आइडियल गैस। तो बेटा पी वी इज इक्वल टू आर टी कॉल द सेकंड, सो सबस्टिट्यूट सेकंड इन फर्स्ट, सबस्टिट्यूट सेकंड इन फर्स्ट, वी गेट बेटा यहां पे आ जाएगा एच इज इक्वल टू यू प्लस आर टी आएगा। अब बेटा एक काम कीजिए, इसको आप डेल लगाइए, सो डेल एच इज इक्वल टू डेल यू, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी, डेल यू प्लस, क्योंकि आर तो गैस कांस्टेंट आर रहेगा बाहर, तो डेल टी ये आएगा, डेल टेम्परेचर। अब इसको बेटा डिफरेंशिएट इक्वेशन थर्ड, कॉल दिस इज इक्वेशन थर्ड, डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड बाय डेल टी, डेल टी से डिफरेंशिएट कीजिए तो वो होगा डेल एच बाय डेल टी इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल टी और प्लस आर डेल टी बाय डेल टी। ये कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा यहां पे बचेगा, अब हम इसको दूसरे साइड से लिखेंगे, जरा ध्यान रखिएगा। तो बेटा डेल एच बाई डेल टी, तो इसके बदले हम लिखेंगे सीपी इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल टी, इसके बदले हम लिखेंगे सीवी और प्लस आर, क्योंकि ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहां पे हम लिखेंगे बिकॉज डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू CP। और बेटा इसको हम और भी लिखेंगे, आल्सो डेल U बाय डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू CP। तो बेटा यही थे CP CV। तो बेटा इसको हम ऐसे लिखेंगे, विच इंप्लाइज दैट CP, इसको इधर ले आइए, माइनस CV इज इक्वल टू R। ये है फॉर वन मोल ऑफ गैस, फॉर वन मोल ऑफ गैस, वन मोल ऑफ गैस।
अगर बेटा होगा एन मोल्स फॉर एन मोल्स, तो बेटा फॉर फॉर एन मोल्स ऑफ गैस, तो उसमें बेटा ये बन जाएगा सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू एन आर। तो बेटा ये दो इक्वेशंस हैं, सी पी माइनस, यही रिलेशन बनती है सी पी सी वी और आर के, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। तो इससे ये भी क्लियर हो गया, इस इक्वेशन जो सी पी होता है हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये बड़ी टर्म होती है कंपेयर टू दैट ऑफ द सी वी। तो बेटा चूंकि ये आर प्लस सी वी के बराबर होता है, तो बेटा ये था रिलेशन बिटवीन सी पी सी वी एंड आर। तो आज यही पे हम लेक्चर को इख्तिताम करते हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अस्सलाम।